क्योंकि किससे सीखूं मैं खुदा की बंदगी, किससे सीखूं मैं खुदा की बंदगी, सब लोग खुदा के बंटवारे किए बैठे हैं, जो लोग कहते हैं कि ईश्वर है कण कण में, जो लोग कहते हैं कि ईश्वर है कण कण में, वही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे लिए बैठे हैं, वही लिए बैठे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग इतनी सर्दी में बैठे हैं। ये बात, लेकिन माला जी इधर भी खुदा है, उधर भी खुदा है, ऊपर भी खुदा है, नीचे भी खुदा है, लेकिन जहाँ नहीं खुदा है वहाँ आज हम खोद रहे हैं, जहाँ नहीं खुदा है वहाँ आज हम खोद रहे हैं। क्या शायरी है हमारा। एक गीत, इस गीत को दादा ने बहुत गाया, पूजनीय गुरुवर ने, धुन तो मैं उनकी ले रही हूँ लेकिन गीत उनका नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत गाया, इसलिए जो रचना सुना रही हूँ बहुत सस्ती बहुत हल्की। चाचा आप जैसे लोगों के लिए कुछ भी नहीं, आप सो जाएंगे तब भी गा लेंगे। और विधानसभा चल रही है बेटे, आप नींद में भी ऐसे गानों का जवाब बढ़िया गाएंगे। सुनिए, आज बहुत लेखक आए हैं बेटे। के मेरे दिल ने तुझको चाहा, जो भुला दे के वो दिल कहाँ से लाए, तेरी याद जो भुला दे मुझे भूल जाने वाले, मुझे भूल जाने वाले कोई रास्ता दिखा दे, वो दिल गीत को सुनिएगा। गीत में कुछ नहीं है लेकिन बस सुनने का विषय है। राज्याभिषेक की सारी तैयारी हो गई, बाबूजी जिस समय राम राजा बनाए जाने वाले हैं, राज्याभिषेक की सारी तैयारी हो गई, पुलकित अवध की नगरी भी वो सारी हो गई, पर मंथराने के कई एक काम भर दिए। राम राजा बनाए जाने वाले हैं, तब तक मंथरा ने आकर अपना काम कर दिया। मंथरा ने केकई को समझा दिया कि केकई अच्छा नहीं हो रहा, राम राजा बन जाएंगे तो तुम्हारा पुत्र भरत ऐसे ही रह जाएगा। पर मंथरा ने केकई के कान भर दिए, सारे ही सुख अवध के हैं एक पल में हर दिए, राजा दशरथ की संपत्ति सारी छली गई। क्यों? राजा दशरथ की संपत्ति सारी छली गई, राजा दशरथ की संपत्ति सारी छली गई, जब गोप भवन में वो केकई चली गई। केकई, राजा दशरथ सोच रहे केकई कहाँ है, इतने शुभ अवसर पर केकई नहीं दिखाई दे रही,
राजा दशरथ पहुँचे के कई को भवन में पड़ी है। जरा सुनिए होता है। राजा ने कहा के कई ये क्या हाल बना रखा है, क्या बात है, क्या बात है, मुझसे बता मैं तुम्हारा पति हूँ। के कई ने कहा स्वामी याद करिए आपने कहा था समय आने पर दो वरदान पूरे करूँगा। आज समय आ गया। राजा ने कहा दो नहीं चार वरदान मांग ले। के कई ने कहा चार नहीं केवल दो। राजा दशरथ ने कहा मांग। के कई ने कहा मैं पहला वरदान चाहती हूँ कि मेरे भरत को राजगद्दी मिले। राजा दशरथ ने कहा कोई बड़ी बात नहीं ले ले, ले, ले। दूसरा मांग। के कई ने कहा दूसरा वरदान मैं राम को 14 वर्षों का वनवास चाहती हूँ। बस जैसे ही राजा ने सुना तो होता क्या है, ये जान कर के नबका फट जाता है हिया, ये जान कर के राजा का फट जाता है हिया, जब राम को वनवास मांग उसने है लिया। ये जान करके राजा का फट जाता है हिया, जब राम को वनवास मांग उसने है लिया। सुनकर के बातें महारानी के दशरथ मंडोले, सुनकर बातें महारानी के दशरथ है मंडोले, तब कोप भवन में के कैसे ऐसे है बोले। राजा ने कहा कि रानी तूने भरत को राजगद्दी मांगी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे राम को वर मांग रही है तो ऐ रानी के वो वर प्रिया न मांगो। आपके चैनल पर इसमें थोड़ा बदलने का प्रयास कर रही हूँ। कहा राजा दशरथ ने की केकई वो वर प्रिया न मांगो, जो वर मुझे रुला दे। अरे वो वर प्रिया न मांगो, जो वर मुझे रुला पत्नी का क्या करे, ऐसी प्रिया करे क्या जो जग में हंसी करा, तो वो वर प्रिया न मांगो जो वर मुझे। मुझे विश्वास है आपसे अच्छा उत्तर इसका कोई नहीं दे सकता। हालांकि जब मोबाइल चलाने से फुर्सत मिल जाए तो सुन लीजिएगा। आजकल नौजवान तो नौजवान बूढ़े भी मोबाइल में लगे रहते हैं। घोर कलयुग चल रहा है बेटे। के कई ने कहा अब आप ना मानो तो बात अलग है, बूढ़े तो हो ही। तारे हैं लाल सारे मेरा राम बन गया तो रघुवर के बिना जीवन रहना पाए हमारा।
निवेदन कर रही हूँ, इन पंक्तियों को सुनिएगा के कई ने अपनी बात मनवाने के लिए हर तरह का प्रयास किया। राजा दशरथ ने लगे के कई मेरी सभी रानियों में तुम सबसे ज्यादा प्रिय हो, और कभी कभी जिनसे ज्यादा प्यार होता है वही धोखा देते हैं। के कई मैंने तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहा, तुम मेरी जान मांग लेती, लेकिन तुमने राम को वनवास मांगा है। अगर तुम इतनी निष्ठुर हो गई तो मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ तुम्हें। और राजा दशरथ ने याद दिलाया के देवों के साथ रण में बाबूजी कहा याद करो के कई, क्या तुम वही के कई हो? मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि तुम मेरी वही के कई हो जिसने के देवों के साथ रण में दिखाई। जब मैं देवासुर संग्राम में गया तो तुमने अपनी प्रेम का प्रमाण दिया, मेरे रथ के पहिए की धुरी निकल रही थी उस समय, मैं रथ पर सवार होकर युद्ध कर रहा था, और तुम क्या वही के कई हो जिसने रथ की धुरी में अपनी रथ की धुरी कई हो गया जिसने मुझे बचाने के लिए रथ की धुरी में अपनी अंगुली लगा दी थी, उस रथ के पहियों को रोक लिया, उस समय तूने मुझे बचा लिया और आज तू मेरी जान मांग रही है। तो राजा दशरथ ने कहा क्या? अगर तू मेरी पत्नी है तो अंतिम पंक्ति गीत की सुनिएगा। के कई ने कहा स्वामी आप ही ने कहा था कि रघुकुल नीति सदा चली आई और प्राण जाई पर वचन न जाई। आप कैसे राजा हैं, अपनी बात कहकर मुकर रहे हैं, अपनी ही बात से पलट रहे हैं। तो राजा दशरथ ने कहा सुन के कई, सुन के कई, जो मांग तूने मांगी के कई से राजा दशरथ ने कहा के कई के जो मांग तूने मांगी अनुचित वो मांग तेरी जो मांग तूने मांगी अनुचित वो मांग तेरी और इस मांग से ही होगी इस मांग से ही होगी सूर्य मांग तेरी अगर इस मांग से ही होगी सूर्य मांग तेरी तो ऐसा कर राम के वन जाने से पहले एक काम कर के अपने अपने अपने
मेरे जान मेरे प्राण बचेंगे नहीं। अपने ही हाथों से तू अपनी मांग मिटा दे, पर वो वर क्रिया न मांगो जो वर मुझे जवाबी का तरीका यही है कि अगर दशरथ केकई से कह रहे हैं तो जवाब केकई को ही देना चाहिए। क्या बात है, केकई ने कहा महाराज आपको जो कहना हो तो कह दीजिए। देव असुरों व असुरों में संग्राम जब हुआ, असुरों व असुरों में संग्राम जब हुआ,
संग्राम का प्रभु जी परिणाम ये हुआ। संग्राम में थे आप जब बेहोश हो गए, संग्राम में थे आप जब बेहोश हो गए, ये देख कर हमारे भी होश खो गए। ले भागी थी रथ संचालन करके मैं ले आई आपको, रथ संचालन करके मैं ले आई आपको, लेकिन संध्या हुई मालिक यहाँ, संध्या समय वही था ठहराया आपको। आपका सूर्यवंशी जाता ताज जो चमक रहा था, बाली को लगा कि आज संध्या समय सूर्य कैसे निकल रहा है। आया और उसने दो बातें रखी, काहे देवी के कही, महारानी के कही ये हमको जवाब दो, महारानी के कही ये जवाब आज दो, या तो समर करें या फिर हमको ताज दो। आप उस समय बेहोश थे महाराज, मैंने ताज दे दिया। आज तक किसी को कानों कान जानकारी नहीं कि सूर्यवंश का रघुवंश का वो असली ताज बाली के पास रखा हुआ है। केवल हम दोनों को पता था, लेकिन महाराज आपने बिना सोचे समझे ये घोषणा कर दी कि कल रात का राज्याभिषेक होगा। लेकिन जब राज्याभिषेक होगा तो ताज कहां से आएगा? जो बात हमने आज तक छुपाई है, आज बिना ताज के महाराज रघुकुल की प्रतिष्ठा तार तार हो जाएगी। आप कह रहे हैं ऐसा वर क्यों मानते हो? हंसी करा दे, हंसी कराने का काम तो महाराज आपने किया है। मैं सब कुछ कर सकती हूँ महाराज, मैंने आपकी अंगुली का विष भी पिया जिसके कारण आपकी जान बची, लेकिन वो विष तो पी लिया महाराज, लेकिन वो विष पिया न जाए। कुल को ही जो मिटा दे, ये ऐसा जहर है महाराज कि पिएगा कोई पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। तो वो विष पिया न जाए, वो विष पिया न जाए, कुल को ही जो और धब्बा कलंक गाजो, धब्बा कलंक गाजो रघुकुल की लगा। महाराज मैं जानती हूँ जो करने जा रहे हैं कोई साधारण बात नहीं है। महाराज जानती हूं जो श्री राम पर बजाए, तो है है जान राम तुम्हारी,
ऐसा भी हो सकता है कि है राम जान तुम्हारी तो हो सब भले ये मेरा कार मकबुली पर जाऊं लज्जा भले विधवा मुझे बना दे मकबुली पर जाऊं लज्जा भले विधवा मुझे बना दे मैं वो विष पिया न जाए कुल कोई जो पिया एक पंक्ति और जोड़ा इज्जत पहचान दे इज्जत पहचान दे दे क्षत्रिय का ये धर्म इज्जत पहचान दे दे क्षत्रिय का ये धर्म क्षत्रिय कहे पद से छत्री कहे क्या उसको जो सत पद से बगहता तो वो विष पिया न जाए वो विष पिया न जाए कुल कोई जो ये था आपके बहुत अच्छे गीत का पूरा पूरा जवाब और अब 5 बजने वाला है सारे लोग सर्दी के आगोश में पहुंच गए हैं और बैठ करके तापने लगे हैं खैर किसी ना किसी से गर्मी लेनी पड़ेगी तो आदरणीय हमारे चंद्रकरण जी हैं कहां मैं चाहता हूं कि अब मैं शांति माला जी को सवालिया ना देकर के जो हमारे मध्य क्षेत्रीय कलाकार कलाकाराएं उपस्थित हैं उनका भी कुछ सुना जाए सही और उनको भी आशीर्वाद दिया जाए चंद्रकरण जी जहां कहीं हो या आदरणीय हमारे कोटेदार साहब आकर थोड़ा सूचना दे
चलिए कोई जवाब नहीं आ रहा तो एक गीत पढ़ रहा हूं। आइएगा एक फिट कर रहा हूं और आवाज देता हूं कुमारी पूनम जी को, रिंकी राजपूत, पिंपी राजपूत दोनों को, कृपया वो आए और हम चाहते हैं एक गीत भेट कर रहा हूं कि दूर पर्वत से क्यों एक बदली छुपी दूर पर्वत बदली रुकी क्यों पवन चलते चलते चमन में रुकी एक कला से ये क्यों कह गई एक कला कली से ये क्यों कह गई हम सफर भी कोई साथी ले कोई साथ ले अकेले ही अकेले चला तू कहां अकेले ही दीवाला जी ये कोई सवाल नहीं है राहुल भैया गीत में कोई सजावट भी नहीं है फिर भी पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है गीत आपको अच्छा लगेगा गीत तो हालांकि हमारे पूरे मंडल में किसी को पता नहीं है कि क्या गा रहा है कारण ये है ना तो इनको लिखने का पता है और ना इनको ये पता है कि इस पर लिखा क्या गया है आज पहली बार इस मंच पे गा रहा हूं स्वागत ये परंपरा हमेशा से रही है जो आज हम डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की चर्चा कर रहे थे दिल आया किसी का देखो दिल आने पर जो कृत्य किया वो असहनीय कृत्य हो गया लेकिन कभी कभी यह असहनीय कृत्य भी सराहनीय बनता है क्या बात एक लड़की देख कर लड़का था हो गया पीछे कहानी सुनिएगा एक लड़की देख करके लड़का हो गया पीछे क्या बात कि देखने लगा वो सपने पाने के दिन रहे
जब उसके रूप रंग का खुमार छा गया, जब उसके रूप रंग का खुमार छा गया, पूजा के लिए देवी माँ के द्वार आ गया। पागल बना देता है वो पागल, ये नहीं जानता कि जिस दिन ब्याह करके लाऊंगा उस दिन आके तेरे सर चढ़ा दूंगा तो ब्याह से मतलब क्या रह गया। चरणों में मां तुम्हारे अपना सर चढ़ाऊंगा। नाच क्यों क्यों अकेले ही अकेले न जाए जिया। अकेले ही अकेले ना जाए जिया, जिया भी जाए तो चैन में ना जिया। बहुत दिन अकेले जिया लेकिन आप माता मैं जीवन जी नहीं सकता। माँ ने सोचा कि आखिर ये क्या करना चाहता है, शादी करके आएगा उसी दिन मुझको सर चढ़ाएगा, इसको शादी से क्या मतलब है। देखते हैं कि सही कह रहा है कि झूठ कह रहा है। ये सोच करके माँ ने कहा एक कलयुग में भी एक ऐसा वरदानी कलाकार है। क्या बात राहुल भैया, जिसको ये वरदान प्राप्त है कि वो सोता रहेगा तो अभी कार्यक्रम सुनता रहेगा। आदरणीय हमारे रघुराज सिंह दाऊ
कुरोरा वाले, क्या बात है, ये अभी अभी आया है, उनका अभी आया है, बोले नहीं बस सो गया था, पंकज सोने को आज मैंने निकाल के तो सुन रहा था। हालांकि आप बहुत अच्छे नाल वादक हैं, और नाल ऐसे नहीं, आप रेडियो और टीवी सिलेक्ट नाल वादक, क्या बात, आपकी ओर से एक से एक मुद्राएं भेंट हुई हैं भैया रघुराज सिंह जी घोष करोरा, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और अभी अगर वरदान न मिला हो तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको ये वरदान ऐसा दे दे। माँ सोचने की ऐसा वरदान देके करेंगे क्या, खैर माँ ने कहा देखिए अच्छा इसे परीक्षण करें भक्ता, माँ कृपा से मगन उसका मन हो गया, माँ कृपा से मगन उसका मन हो गया, अब ब्याह उससे हुआ और मिलन हो गया, विदाई हुई दुल्हन को लेके आया, उस समय कोई ये बुलेरो गाड़ी फॉर्चूनर गाड़ी नहीं चलती थी, दुल्हन को लेके आया और जहां से लेके आया उसी रात में वो माँ का मंदिर पड़ गया, तो माँ के मंदिर में शादी के बाद आ गया, माँ के मंदिर में शादी के बाद आ गया, जो दिया था उसको याद आ गया, याद आया, दुल्हन से कहा तुम इस पेड़ के नीचे ठहरो, मैं माता रानी की पूजा करके आता हूँ। अब मंदिर में पहुंच करके अपना सरकार कर, अपना सरकार कर अब दिया भी न जाए, काफी देर हो गई, एक घंटा हो गया, दुल्हन परेशान, दुल्हन का एक भाई भी उसके साथ आया था, उसने भाई से कहा भैया जाके जीजा जी को देखो तो कितनी बड़ी पूजा होती है इनकी, एक घंटा हो गया अभी तक लौट कर नहीं आए। अब भाई ने जाकर जैसे मंदिर पहुंचा भाई और उसकी नजर पड़ी तो सर अलग पड़ा था, धड़ अलग पड़ा था, कुछ नहीं कह पाया, देख करके दशा धीर होने लगा, ना कोई
ये मामला तो बहुत गड़बड़ है। अब बिटिया सोचने के लिए के चले जाओ, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। चलो भाई तुमको कुछ बुझा के देंगे। ये भी हमारे क्षेत्र की होनहार बालिका है, कुमारी रिंकी राजपूत दामोपुरवा। खास बात तो यह है कि हमारे अनुज श्री दयाराम आजाद जी की शिष्याएं हैं। मेरे तरफ से खूब खूब शुभकामनाएं आशीर्वाद है और चाहूंगा कि बहुत जल्द हमारे परिवार के जितने भी बच्चे हैं उभर घर के सामने आए। हाँ चलिए एक बात और निवेदन करता हूँ, क्रांति माला जी तो भूल ही गई थी, मुझे अब याद आया। यहाँ के सभी भैया लोगों से एक निवेदन करता हूँ कि आगामी 21 दिसंबर को हमारे गुरुवर पूज्यपाद दादा श्री हरिकृष्ण शर्मा प्रेमनगर कानपुर, उनकी स्मृति में शुक्लागंज में पोनी रोड शुक्लागंज उन्नाव एक बृहद कार्यक्रम श्रद्धांजलि के रूप में होने जा रहा है। वो कार्यक्रम 24 घंटे का कार्यक्रम है, सुबह 21 तारीख से प्रारंभ होगा 9 बजे और अगले दिन 9 बजे तक ही चलेगा। उसमें दो जवाबी कीर्तन हैं और कीर्तन कार्यक्रम लगे हैं, लेकिन एक दिन में एक रात में। और साथ ही साथ हमारे भारतवर्ष के जितने भी महान कीर्तन कलाकार हैं उनको सबको सम्मान के साथ वहां आमंत्रित किया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा और साथ ही साथ उनकी कुछ एक गीत की प्रस्तुति भी दी जाएगी। तो मैं आप लोगों से गर्वत प्रार्थना करता हूँ। खास बात यह है कि उस कार्यक्रम की व्यवस्थापक और व्यवस्थापिका हमारी विद्या क्रांति माला है और हमारे भैया के शर्मा जी हैं आयोजक। तो हमारा पूरा परिवार है लेकिन व्यवस्था इनके कंधों पर डाली गई है, तो ये व्यवस्था कर रही है। तो आप हमारी ओर से आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं 21 दिसंबर को शुक्लागंज पोनी रोड उन्नाव। भाई ने देखी दशा देख कर वो दशा धीर होने लगा, भाई दुलाल का चीख चीख रोने कि तू आज सुहागिन बनी और आज विधवा हो गई। कहा ना ना सुनाऊं बहन को मैं ऐसी खबर, इस जगह से ना घर जाऊंगा लौट लौट करना मैं जाऊं अकेले, इस मंदिर से अकेला नहीं जाऊंगा, लौट करके न जाऊं अकेले।
भाई ने भी अपना शीश चढ़ा दिया देवी माता को। बहन अकेली बैठी है, इंतजार कर रही है कि भाई आएगा और मेरा नौ विवाहित वर आएगा। तो में से कोई नहीं आया, सूरज अस्ताचल को प्रवेश करने लगा। तो सोचा कि कैसी पूजा है भाई, पहले जानती तो थी नहीं, बोले मैं भी जाकर दूर से देखूं। क्या बात, ढलते सूरज की जब लालिमा छा गई तो माँ के मैं दुल्हन स्वयं आ गई। और जैसे ही मंदिर में घुस के देखा दो शीश दो धड़ पड़े थे, आंखों से दिखाई देना बंद हो गया। वाह मेरी जिंदगी, आज 16 श्रृंगार सजा के आई माँ तेरे दरबार पर, तूने अच्छा फल दिया माँ। सोचने लगी संपे दिना का ये पीना नहीं, किसी संपे दिना का ये पीना नहीं, विधवा के मुझे जग में जीना मैं जीना सकूंगी अकेले, अब मैं जीना सकूंगी अकेले, और उसने जैसी तलवार उठाई तलवार खींच के अपने गर्दन पर चलानी चाहिए, लेकिन हाथ अटक गया, तलवार आगे नहीं बढ़ पाई। उसने क्या बात है, उसने जब पीछे देखा तो माता रानी तलवार पकड़े खड़ी थी, तलवार पकड़े खड़ी थी माँ, रो पड़ी बिटिया, कहा माँ अब तलवार किसके लिए पकड़नी है। कहा बेटी तुझे जीना जीवन जीना तेरी जिंदगी है, लेकिन माँ ये जिंदगी किस काम की है। बोले तू चाहती क्या है। बोले माँ मेरी जिंदगी में मायके में केवल एक भाई है, ससुराल में केवल एक पति है, ना उधर कोई ना इधर कोई, आखिर जिंदगी जीऊं तो किसके लिए। माँ ने कहा बेटी माँ प्रकट हो के बोली ये दुख छोड़ दे, माँ प्रकट हो की बोली ये दुख छोड़ दे, सर कटे जिसके जैसे वैसे ही जोड़ दे, क्या होगा मेरे तेरे दोनों मिल जाए।
जाएंगे। क्या खुशी में इतनी उछली कि उसका उत्पन्न दोनों दल लेकर के धड़ों से जोर मिले। लेकिन जब वो दोनों खड़े हुए लेकिन शीश जोड़े मगर उसके होश उड़ गए। शीश जोड़े मगर उसके होश धड़ बदल करके दोनों ही सर जुड़ गए। जैसे जैसे देखा तो फूट फूट कर रोने लगे। बोले माँ ये क्या हो गया। बोले बेटी अब ये किया जो तूने ही किया मैंने कुछ नहीं किया। बोले माँ आया संशोधन। बोले कोई संशोधन अब नहीं हो सकता कुछ। एक बार सर कट गया आप दोबारा कट के नहीं जुड़ेगा। बोले माँ मुझे ये रास्ता बता कि जहां मेरा भाई का शीश लगा है पति का धड़ है और जहां मेरे भाई का सर है पति का धड़ है और जहां पति का सर है वहां भाई का धड़ है। आखिर में पति मानो तो किसको मानो। क्या बात है। का विद्या हो नहीं सकता कुछ। लेकिन क्या ऐसे में मैं अपना धर्म निर्वाह कर पाऊंगी। बोले बेटिया ये जीवन तो तुझे ऐसे जीना पड़ेगा। लेकिन अब मैं तुझे वचन देते हूं जा अगले जन्म मोर मोर साथ बने मोर साथ बने तू बने मोर भी। ये तेरा पति जिसमें धड़ भाई का जुड़ा है ये जन्म लेगा अगले जन्म ये मोर बनेगा। इसके धड़ से तेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। इसके सर से ही तू प्रजनन क्रिया करेगी। जब ये नाचेगा रोएगा इस घटना को याद करके रोएगा और जब रोएगा तो इसके आंसू निकलेंगे। बेटी तो वही आंसू पी करके गर्भ धारण करेगी। क्या बात है। तेरा गर्भ बच जाएगा। मोर साज बने तू बने चंद्र पर नान ये मुझसे ले तुम रहोगी कभी इस दिया से ना जाए अकेले।